गाइस अभी सब लोग आएंगे देखना, एकदम फा फू करके आएंगे, एकदम लेफ्ट राइट सब लोग। ये क्या V3, ये क्या RC, भाई ये लोग को देखना क्या लीन लेता रहेगा ये लोग। What's up guys? कैसी अपनी YouTube फैमिली, होप करते सब लोग बढ़िया है और बढ़िया रहने भी चाहिए। गाइज अभी जो है गाइज मैं निकल रहा हूँ एक प्यारा सा संडे राइड, बहुत हफ्ता महीनों के बाद जो है एक संडे राइड हम लोग का प्लान हो रहा है, वो भी पूरा फुल ग्रुप में। तो फटाफट देते बाइक को कोल स्टार्ट एंड यहाँ से निकलते हैं। चेक दिस आउट गाइज, बाइक का रैप तो आप लोगों ने देख ही लिया था, कितना खतरनाक वाला रैप जो हमारे टार्जन के ऊपर है। तो देख सकते हो ये क्या था, रैप सिटी, और यहाँ पर मेरा चैनल का नाम SBN व्लॉग्स। अभी फटाफट निकलते हैं और मैंने पीछे जो रेन कोट भी ले लिया मैंने। तो गाइस मैं जो है घर से निकल चुका हूँ एंड आज मैं बाइक को कोल्स्टर नहीं दे पाया बिकॉज संडे का माहौल था, सुबह को सब लोग सो रहा था, उसके लिए मैं बिना कोल्स्टर दे के आ गया, नहीं तो 5 मिनट तक जो है ना बाइक को वहां पर ही रखना पड़ता है। और सब लोग सो रहे थे, मैं नहीं चाहता कि उनका नींद खराब हो। तो धीरे धीरे चलते हैं एंड देखो 50 डिग्री हो भी चुका है अभी घर से निकलते ही। एंड आज जो है गाइस मैं अनिकेत भाई लोगों के साथ एक बड़े ग्रुप में जा रहा हूँ, तो पता नहीं कौन कौन जा रहा है यहाँ से। तो शांतनु भाई और राहुल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो अनिकेत भाई ने बोला कि विवंदत आज के सामने है मीट, तो गाइस हियर इज शांतनु भाई, राहुल भाई। और आज का सीन सुबह सुबह ये हो गया कि इंडिकेटर टूट गया, इसको एक टूट गया तो और दूसरा भी तोड़ दिया। चलो कोई ना, इसको कल लगा लेंगे एक। और बड़े दिनों के बाद हमारे रोहित भाई, ए सुना है तुम अपना बाइक बेच रहे? हाँ कौन सा, ये वाला 220? कितना? 80,000 के? चलो 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 गाइस, हम लोग फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं एंड जा रहे हैं नेक्स्ट मीट पॉइंट तक। बस गाइस एक बार जो है सिटी से बाहर निकल जाऊं, उसके बाद शायद हम लोग शिलोंग वाला रोड पे जाएंगे। गाइस हमें निकलते निकलते थोड़ा लेट ही हो गया, अनिकेत भाई ने बोला था 10 बजे सब लोग निकलेंगे और हम लोग 11 बजने वाला है, अभी जा रहे हैं अभी। तो चलते हैं, अगर कोई नहीं मिलता है तो हम लोग ही मार लेंगे आज संडे राइड। इधर थोड़ा सा पानी देते समुंदर बन जाता है। ओए धीरे जा, धीरे धीरे। कहाँ करते हैं आंटी जी, कहाँ करते हैं आंटी जी। गाइस हम लोग इतने बुरी तरीके से ट्रैफिक में फंस चुके हैं ना, निकल नहीं पा रहे, अभी पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते। ओह राहुल दा की खबर, अभी गुवाहाटी से निकलने वाले हैं और बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा कि शांति मिलने वाला है, जो ट्रैफिक फेस करके आए ना ब्रो। आसाम को बाय बाय करते हुए चलते हैं सीधा मेघालय स्टेट के अंदर। गाइस मेरा फ्रंट वाला टायर पता है पूरा एकदम खोखला होके रखा है, तो मेरे को टर्निंग लेने में थोड़ा सा डर है, 2 दिनों में टायर आ जाए ना, फिर इसको सुला के इसको कॉर्नर लेंगे। पीछे वाला टायर तो मेरा एकदम परफेक्ट है। जय गणपति बप्पा, यात्रा शुभ। एक बच्चा ना पूरा नीचे से दौड़ रहा था, मतलब ब्रिज के नीचे से, उसको बाइक देखना था, वो पूरा दौड़ दौड़ के आ रहा था। गाइस आज ना सुबह को संघा के साथ भी मेरा घूमने जाने का प्लान था, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा डिले कर दिया और वो 3 बजे निकलेगा, तो उससे पहले पहले आ जाएंगे और उसके साथ भी कहीं पर, तो उसके साथ भी शायद हम लोग कहीं पर जाएंगे। बस तो वो भी पूरा हफ्ता ऑफिस में रहता है ना, तो उसके लिए उसको भी एक ही दिन मिलता है पूरा। ओ भाई आगे का व्यू क्या मजा आ रहा है यार, खतरनाक। तो हम लोग एंटर कर चुके गाइस शिलोंग वाले रोड में। आज तो भैया गुवाहाटी से सारा गाड़ी शिलोंग में घुसता है बिकॉज आज संडे का दिन है, सैटरडे संडे ये दोनों दिन आप लोगों को शिलोंग रोड में बस गुवाहाटी का ही गाड़ी दिखेगा। ये भाई साहब उल्टा क्यों आ रहा है? ओ भाई क्या हो गया? ये राहुल भाई बोलता है कि मेरा चैनल अगर थोड़ा सा ग्रो हो जाए ना एसबीएन भाई, फिर मैं पूरा रेगुलर हो जाऊंगा। बोलते कह रहे भाई वो ग्रो करने के लिए तो तुमको पहले रेगुलर होना पड़ेगा ना। बोले कि नहीं यार थोड़ा सा अगर ग्रो हो जाए, अरे भाई मेहनत करोगे तभी तो ग्रो होगा भाई, ये राहुल भाई के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए है गाइस। मेहनत करते जाओ, व्यूज के पीछे मत पड़ो, एक ना एक तो टर्निंग पॉइंट सबका ही रहता है, अगर जो लोग मेहनत करते हैं सबका टर्निंग पॉइंट रहता है, बस उस टर्निंग पॉइंट के लिए वेट करो
और वीडियोस डालते जाओ। अरे भाई मैं 50-60 व्यूज ले लेके वीडियोस बना रहा था नॉन प्रॉफिट, 1-1.5 साल काम किया तब जाके मुझे वो मिला। ऐसे ही डायरेक्टली थोड़ी ना मुझे भी वो मिल गया, 100-150-200 व्यूज ऐसे आते थे ब्रो। शिलोंग रोड पे आने से सबसे ज्यादा जो डेंजर चीज होता है वो होता है ऑटो वाले। ऑटो वाले से हमेशा बच के रहो, बिकॉज ये लोग बिना इंडिकेटर के इधर उधर घुसा देंगे। उनके सामने हो सके तो आप ही स्लो जाओ। गाइस पेट्रोल रिफिल कर लेते हैं, पर 500 का मार दो। गूगल पे कहाँ पे होगा? वो काउंटर जाना पड़ेगा। मुझे लोग कोस बात वहाँ लगे। ओहो सर जी आप भी आया। ओ ये पंकज भैया। हेलो ब्रो। भल हेलो कल्प। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर अनिकेत भाई और सारे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो चुके हैं गाइस। अभी निकलते फटाफट। बाइक देख रहे हो गाइस टोटल कितना, 12-13 बाइक्स तो होगा इधर। ओए तुम लोग कहाँ तक जाएगा निकित? नोंगफो तक ही जाएगा। हाँ प्रो रेडी। अब RN5 ड्यूक CBR Apache RR310 सब है भाई। अनिकेत भाई के साथ बहुत दिन बाद आज राइड कर रहा हूँ, इसका तो आज लीन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गाइस। भाई साहब देख रहे हो, एक एक राइडर आज तूफान से जाएगा एकदम। इधर हम ही पीछे रहने वाले हैं। भाई ये लोग सारे ना एक्सपीरियंस राइडर है, इतना तेज मैं चलाता भी नहीं हूँ। और लेकिन भाई ग्रुप में राइड करने का मजा ही अलग होता है यार। टाटा को देखो, टाटा स्काई। रोहित भाई को हम लोग प्यार से गाइस टाटा स्काई बुलाते हैं। ये शिलोंग रोड पे ऐसे ट्रक खराब होता ही रहता है भाई ऐसे। मैं सबसे पीछे हूँ गाइस। ओ भाई रोड क्या बढ़िया लग रहा है यार, बहुत दिन के बाद आया मैं। गाइस ये लोग मिल चुके हैं इधर रोड पे। नोंगफो तो पहुंच चुका है लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये लोग। ये लोगों देखो फुल एक्सपीरियंस राइडर। ओहो भाई एक से एक पूरा एक्सपीरियंस्ड है पूरा यहाँ पर। क्या लीड लेते भाई ये लोग, मजा आ जाता है देख के। एक सौ डेढ़ सौ सीसी
150-200 सीसी बाइक लेके जो ये लोग खतरनाक वाला लीड लेते हैं यार, मजा आ जाता है देख के। ये हमारे कृपाल भाई आ गए। ओए सरदार जी धावा किधर है रे? आगे चलो। ए हम तो कॉर्नर पे पूरा स्लो हो जाता है, हम लोग की खींच के जंगल में ना घुसा दे सीधा। तुम लोग तो ऐसे 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 जा रहे हैं पूरा सब लोग। हाँ हाँ सब लोग आएंगे देखना, एकदम फाफू करके आएंगे, एकदम लेफ्ट राइट सब लोग। ये क्या V3, ये क्या RC भाई, ये लोग को देखना क्या लीन लेता रहेगा ये लोग। ओ भाई भाई साहब, भाई मैं सच में कॉर्नर से बहुत डरता हूँ यार। ऐसा लगता है कि बाइक लेके मुझे सीधा जंगल वंगल में घुसा देगा। ये लोगों को कुछ डर ही नहीं है भाई, सीधा लीन ले लेते हैं। ये लोग एक एक जो है ना 130-140 पे कॉर्नर ले रहे हैं। अरे भाई भाई भाई, यहाँ से टर्निंग लेना था क्या? ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ भाई 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 भाई, ओ भाई ये व्हीली मार रहा देखो। एक से एक स्टंटबाज है यहाँ पर। चलो पहुंच चुके हम लोग सरदार जी ढाबा। हम सोचा गमला तोड़ दिया, हम सीधा के मार दिया। सरदार जी ढाबा बाइक्स का लाइनअप चेक करो गाइस, यहाँ पर एक से एक बाइक्स है। जगह पूरा फुल है, कहाँ बैठेगा? चार्जर चाहिए डाटा केबल। सो यहाँ पर गाइस अभी हम लोग लंच कर रहे हैं और आज रोहित भाई ने जो कॉर्नरिंग लिया ना, कट कर देना इसको। ऐसा ग्लास उठा के हेलमेट के ऊपर कोना ही ले रहा था, चश्मा उड़ के निकल गया। लेकिन शांतनु भाई ने भी बहुत अच्छा चला है, एक जगह पे टायर इसका पूरा नाचने लगा था एकदम पूरा। चलो अभी खाते हैं और निकलते हैं गाइस यहां से। हम लोग यहां से अभी निकल रहे हैं और धूप में देखो इसका कलर जो है ना कितना ब्राइट आ रहा है यहां पर। अभी येलो हो गया, वाइट हो गया, ये ब्लू कलर का सेक्सी लग रहा है। और पीछे तो मैंने रेनकोट लेके आया था, मैं सोचा कि बारिश होगा। ओह लीन बॉय चलो। हाँ बहुत जल्दी हंसबे, मजा ही आ जाएगा। वे डिलीवरी का दिन बुलाएगा ना। सो गाइस हम लोग सब निकल रहे हैं यहाँ से। अभी खाना पीना हो चुका है, हम लोग शॉर्ट संडे राइड पर आए थे गाइस, बहुत मजा आया। लेकिन और मैं गाइस आप लोगों को एक बार फिर से बाइक चेक कराता हूँ यार। ये रही अपनी टार्जन, क्यों खतरनाक लग रहा है यार गाइस, देखो ना। ओ हो ZX 10R
अच्छा ये Z900। वाओ सारे बाइक्स चेक करो गाइस, यहाँ पर फोटोज वगैरह ले रहे। चलो फोटोज लेगा गाइस, चेक करो अपना टायर, ये और 8000 चलेगा मैक्सिमम। 8000 के बाद पीछे का फिर से चेंज करना पड़ेगा, और आगे का तो हाल थोड़ा सा ख़राब है, इसको तो चेंज कर ही लेंगे। चलो भरकर एक लिन ले रहे आगे। अभी जो है ना हम लोग गाइस, अभी हम लोग सीधा गुवाहाटी की तरफ जा रहे हैं, और ये फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस नोंगफो।